आज के टाइम में ज्योतिष के नाम पर 99% ज्योतिषी केवल धोखा है। केवल 1% ज्योतिषी हैं जो समझते हैं कि ज्योतिष एक विशाल विषय है, इतना विशाल कि कोई भी इसमें संकोच के साथ प्रवेश करता है। जिस ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ वह बहुत गहराई में है, आपके जीवन और ब्रह्मांड के बीच कुछ मौलिक रूप से जुड़ा हुआ है, एक तालमेल है। हम अलग थलग नहीं हैं बल्कि एक जैविक तरीके से जुड़े हुए हैं। जीवन एक समग्र है। ब्रह्मांड में कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है वह मनुष्य को भी प्रभावित करता है, और इसके विपरीत अगर हम इसे सही ढंग से समझ सकें तो अहंकार और गर्व के पिंजरे से जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा अहंकार नहीं है बल्कि ब्रह्मांड है। बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ काम कर रही हैं और तुम्हारा अहंकार पूर्णता तुच्छ है। तुम इस बड़ी दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा हो। हर बच्चा हर नया जीवन गर्भधारण और जन्म के लिए एक विशिष्ट क्षण पर जोर देता है। दोनों परस्पर निर्भर होते हैं। वह उसके अनुसार उपयुक्त नक्षत्रों का चयन करेगा, जो वह बनना चाहता है, जो कुछ भी उसकी जन्मजात संभावनाएं हैं, जो कुछ भी उसके पिछले पिछले जीवनों में उनकी समग्रता में आकर लिया है, जो कुछ भी उसकी प्रेरक चेतना है। जन्म के समय बच्चे के मन की स्थिति बिल्कुल एक बहुत ही संवेदनशील फोटो प्लेट की तरह होती है। जब बच्चा गर्भ में आता है वह पहला एक्सपोजर होता है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है वह दूसरा एक्सपोजर होता है। ये दोनों एक्सपोजर बच्चे के संवेदनशील मन पर मानो फिल्म पर पंजीकृत होते हैं। उस समय की दुनिया बच्चे पर छपी होती है। यह उसके पूरे जीवन के लिए उसकी सहानुभूति और विरोधाभासों को निर्धारित करता है। ज्योतिष का पहला भाग सबसे पहली सबसे भारी परत है, जो अनावश्यक है। वहाँ सब कुछ परिस्थितिजन्य अनिश्चित होता है। जितना हम बाहरी घटनाओं के बारे में बात करते हैं उतना ही संयोग होता है। दूसरा भाग मध्य परत है, अर्थ आवश्यक परत। यहाँ परिवर्तन की संभावना है अगर सही चुनाव किया जाए। तीसरा भाग कोर है, सार। इसे बदला नहीं जा सकता। जब ये ज्ञात होता है तो एकमात्र तरीका इसके साथ सहयोग करना है। ये तीसरा भाग ही सब कुछ का सार है। ये अंतरतम से संबंधित है और पूर्ण रूप से निश्चित है। जैसे जैसे कोई अपने केंद्र की ओर बढ़ता है वह आवश्यक और निश्चित भाग के निकट आता है। आंतरिक घटनाएं वैज्ञानिक लगने लगती है, मानो वे किसी निश्चित कानून पर आधारित हो। जब नेक्स्ट टाइम तुम एक ज्योतिष के पास जाओ तो उससे एक मौलिक प्रश्न जरूर पूछ, क्या मैं असंतुष्ट या संतुष्ट होकर मरूंगा? यह प्रश्न पूछने योग्य है। यह आवश्यक ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। तुम आमतौर पर ज्योतिष से पूछते हो कि तुम कितने समय तक जीवित रहोगे, मानो केवल जीवित रहना पर्याप्त है। ज्योतिष तभी तुम्हारे हाथों में एक उपकरण बन सकता है जब तुम मौलिक और गौण के बीच अंतर करना सीख जाओ। प्रणाम।